रामपुर के जंगल के एक भोजपुरी परिवार में लच्छा बंदर रहता था, जो पढ़ाई करने के लिए विदेश जाता है। इस बात से बंदर परिवार और जंगल के सभी जानवर बहुत खुश थे। विदेश पहुंचने के बाद लच्छा बंदर एक विदेशी लंगूर से पूछता है, अरे भैया सुना तो, हमरा के एड्रेस पे जाए के बा। सॉरी फ्रेंड, आई कांट अंडरस्टैंड यू। ओ ससुर का नाती, हमका गाली देवा था, ठहर जा बुड़बक, हम तुमका वही बतावत है। लच्छा बंदर उस विदेशी लंगूर को पीटने लगता है। उसे पीटता देख दूसरा विदेशी बंदर माइक उसके पास जाता है। हे गाय, व्हाई आर यू बीटिंग हिम? ओ तेरी, तू हमरा के गाली देवत हो का? लच्छा बंदर को भोजपुरी में बात करता देख माइक भी उससे भोजपुरी में बात करने लगता है, क्योंकि माइक को भोजपुरी आती है। अरे भाई, हम तुमसे जानल चाहत है, आखिर तुम इकरा को काहे पीट रहे हो? अरे बाप रे, ये तो अपन भाषा बोलत है। अरे भैया, वो का है, ये लंगूर हमरा के गाली देवत रहा। फिर माइक बंदर ने लंगूर से सारी बातें पूछ कर कहा, यूमी कौन है? अरे तो जा रहा है, तुम इकरा के जाए काहे दे रहे हो? वो तुमको गाली नहीं दिया, वो तुम्हार बात को समझा नहीं किया रहा। ठीक बा, पर तू एक गो बात बतावा दोस्त, तू गोरा और उहो गोरा। वो गोरा हमार बात नहीं समझत रहा, तो तू कैसन समझ गया? दरअसल हम इंडियन ही हैं, हम यहाँ आके गोरी बंदरिया से शादी कर लिया हूँ और फिर यहीं बस गया हूँ। अरे वाह, तू तो हमारा अपना निकले यार। तो भैया, एक हिंदुस्तानी होए के नाते तुम हमारे काम करो। दरअसल हम यहाँ नया हैं, तो हमको यहाँ रहे खातिर एक किराए का घर दिला दियो। माइक एक हिंदुस्तानी बंदर होने की वजह से लच्छा बंदर को अपने घर में रहने के लिए कहता है। तुम चाहो तो हमारे घर पर रह सकत हो, तुमको लगाना नहीं देवे के पानी, हम तुमको बोलबो ना करब के तुमका दुगना लगान देवे के पड़ेगा, पर तुमका घर के किराया दे के पड़ी। ठीक है, हम किराया दे दूंगा। लच्छा माइक के घर पर जाता है। वो माइक की पत्नी को देखकर लच्छा कहता है, नमस्कार भौजी, कैसन हो? लच्छा तुम भोजपुरी नहीं, हिंदी बोलो, तुम्हारी भौजाई को हिंदी समझ में आती है। अरे भाई का करे, भोजपुरिया निकल जाती है। अच्छा तो भाभी जी नमस्कार, कैसी हैं आप? I'm fine, हम अच्छी हैं, and how are you? लच्छा को how are you का मतलब समझ में नहीं आता है। अरे भाभी, ये का बोल दी आप, अब अभी तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है। अरे गलत मत समझो, ये कह रही है कि तुम कैसे हो। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारी खबर पूछ रही है का? अरे भाभी जी, हम बहुत अच्छे हैं। फिर लच्छा माइक के घर पर रहने लगता है और देखता है कि माइक की बीवी बंदरिया भाभी तो कुछ काम ही नहीं करती है, हमेशा फोन में ही व्यस्त रहती है। एक दिन उन दोनों का बेटा जूनियर माइक अपनी माँ से कहता है, हे मॉम, आई एम हंग्री, गिव मी सम फूड। बेटे की बात सुनकर बंदरी भाभी मुंह बनाकर कहती है, तुम दोनों बाप बेटे ने मेरी जिंदगी बर्बाद करती है, तुम दोनों को हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है, भूखे कहीं के। लच्छा ये सब सुन रहा होता है। बंदर भाभी की बात सुनकर उसे अपनी माँ की याद आ गई। एक दिन उसे भूख लगी थी और रोटी मांगने पर उसकी माँ दौड़कर रोटी लेकर आती है। लच्छा अपनी माँ की बातें याद करते हुए अपने आप से कहता है, ये विदेशी माँ ऐसन होती है। एक हमारी अम्मा है, जौन एक रोटी मांगे पे दुई रोटी लाके दे देती है। ये अंग्रेजी सभ्यता जौन है ना, ये सब कुछ बिगाड़ के रख दिए है। इससे अच्छा तो हम अपना गाँव के जंगले में रहे। कुछ दिन रहने के बाद लच्छा का विदेश में मन बिल्कुल भी नहीं लगता है, और ये बात माइक देख रहा होता है। एक दिन माइक उसके पास जाकर कहता है, हे लच्छा, हम कई दिन से देख रहे हैं तुम बहुत खोए खोए लग रहे हो हमको, और हमेशा अपने घर जाने के बारे में ही सोचते रहते हो। यहाँ सारी फैसिलिटीज है, फिर भी तुम्हारा यहाँ मन क्यों नहीं लगता? तुम्हारे जंगल में ऐसा क्या है जो तुम्हारा वहाँ जाने का मन करता है? ये सुनकर लच्छा मुस्कुराते हुए कहता है, हमार जंगल में का है, वो हम तुमको यहाँ बैठ के नहीं समझा पाएंगे, एक खातिर तुमको हमार जंगल जाना पड़ेगा। तुम हमार जंगल में आओगे ना, तो वहाँ के खूबसूरती महसूस कर पाओगे। क्या तुम हमारे जंगल में आने खातिर तैयार हो? लच्छा की बात सुनकर माइक कुछ सोच कर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे जंगल में आने के लिए तैयार हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे जंगल में ऐसा क्या है जो तुम दिन रात उसी के बारे में सोचते रहते हो। ठीक है, तो चलो हमारे साथ।
माइक ने विदेशी कपड़े पहने होते हैं, सर पर टोपी और पैरों में स्टाइलिश जूते पहने हुए होते हैं। लच्छा माइक को अपने साथ लेकर जंगल पहुंचता है। थोड़ी ही देर में लच्छा अपने घर पर पहुंच जाता है। लच्छा को देखकर उसके माता पिता खुश हो जाते हैं। बिटवा, तुम्हारे साथ ये कौन है? माई, ये हमारा दोस्त है, इकरा नाम माइक है। ये कैसा नाम है माइक? हमरे वहाँ तो बोलने वाला भोपू रहत है, उसी को माइक कहत है। अरे माई, विदेश में तो ऐसे नाम होत है। फिर लच्छा की माँ खाने के लिए तरह तरह के पकवान बनाती है, जिसे खाकर माइक बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन लच्छा माइक को लेकर जंगल में अपने दोस्तों के पास जाता है, जहाँ उसके दोस्त माइक को देख कर कहते हैं, परदेसी बंदर जंगल के अंदर। ये सुनकर लच्छा का दूसरा दोस्त हंसने लगता है और कहता है, वाह का तकिया कलाम है, सुन के मजा ही आ गया हमको। दोस्त लोग, ये परदेसी है तो का हुआ, मानत है बरसों से परदेश में जरूर रहत है, लेकिन ये एक हिंदुस्तानी बंदर है, ये परदेश में हमार बहुत मदद किया है। उसके बाद लच्छा माइक की बहुत तारीफें करता है, जिसे सुनकर लच्छा के दोस्तों को माइक से दोस्ती हो जाती है। फिर चारों मिलकर खेलने लगते हैं। जंगल के सारे जानवरों में बहुत अपनापन होता है, ये देखकर माइक बोला, यहाँ के एनिमल में कितना अपनापन है, हमारे देश में तो एक जानवर से दूसरे जानवर को मिलने का तो समय ही नहीं मिलता, सब अपने में बिजी ही रहता है। लच्छा अपने जंगल के बारे में बिल्कुल ठीक बोल रहा था। चारों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। ये पड़ोस में रहने वाला बल्लू बंदर देख रहा होता है, उसे इनकी दोस्ती पसंद नहीं आई। जब से ही परदेसी बंदर माइक हमरा जंगल में आया है, इस जंगल के सारे जानवर उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। पहले तो ये लच्छा हमरा साथ खेलत रहा, पर अभी परदेसी बंदर के आगे पीछे घूमत है। बल्लू बंदर की जलन दिन ब दिन बढ़ने लगी थी, वो परदेसी बंदर को सबक सिखाना चाहता था। अगले दिन बल्लू लच्छा के घर जाता है, जहाँ लच्छा का दोस्त माइक पहले से ही हाजिर होता है। उसे देखकर बल्लू कहता है, ए लच्छा, का तू माइक के हमार जंगल के पीछे वाला पहाड़ी पे घुमाया कि नहीं? नहीं यार, अभी ना घुमा पाए हम। अरे भाई तो घुमाओ, हमार जंगल में आया और पहाड़ी नहीं देखा तो का फायदा। हाँ हाँ, काहे नहीं, चलो आजे मिल के हम सब लोग वहाँ चलते हैं। ये सुनकर बल्लू मन ही मन में खुश हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ षड्यंत्र चल रहा होता है। हम तो यह चाहत हई, आज ही परदेसी बंदर के हम सबक सिखा के रहा, या तो ये मर जाएगा, और अगर बच गया ना तो अपने आप ही अपन देश वापस भाग जाएगा। फिर हंसते खेलते सभी दोस्त जंगल के पहाड़ी इलाके पर पहुंच जाते हैं, जहां बल्लू योजना के अनुसार माइक को पहाड़ी के नीचे वाली खाई में फेंकने की कोशिश करता है, मगर गलती से बल्लू का दांव उल्टा पड़ जाता है। गलती से वहाँ पर रखे पत्थर पर बल्लू का पैर टकरा जाता है और बल्लू खुद खाई में गिरने लगता है। तभी माइक उसका हाथ पकड़ लेता है। दोस्त, टेंशन मत लेना, मैं तुमको बचा लेगा। हे लच्छा, हेल्प मी, बल्लू को बचाओ। तभी लच्छा और उसके दोस्त आ जाते हैं, सारे मिलकर बल्लू को ऊपर खींच लेते हैं। ये सब बल्लू देख रहा होता है, उसे शर्मिंदगी महसूस होती है। माइक, हमको माफ कर दो, हम तुमको गलत समझे, हम तो तुमका खाई में गिरावा चाहत रहे, पर हम खुद ही गिर गए, तुम हमार जान बचायो, एकर खातिर बहुत बहुत शुक्रिया। तुम हमको मारना चाहता था, मगर क्यों? हमको लगा परदेसी बंदर बहुत स्वार्थी होते हैं, पर तुम तो अच्छा बंदर निकले भाई, हमरा के माफ कर दियो माइक, आई एम सॉरी। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, क्या तुम्हें ये रोल मालूम नहीं है? बताए ना तुमने मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि जब कहीं बाहर वाला हमारे देश में आता है तो हमें डर लगता है कि कहीं वो हमारे दोस्तों को हमसे छीन न ले, शायद इसलिए तुमने हमारे साथ ऐसा किया। हाँ माइक, तुम सच कहा था, आई एम रियली वेरी सॉरी। बल्लू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसके बाद विदेशी बंदर माइक बहुत सारी अच्छी यादें लेकर अपने देश वापस चला जाता है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।